गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों। मैं आपको और अभिभावकों का सिद्धि हिंदी विद्यालय से हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं भेजता हूं। आज मैं लेसन नंबर 5 का स्वाध्याय प्रश्नावली, पहले बोल रहा स्वाध्याय 5.2 जो कोष्टक में दिया हुआ है कि प्रथम पद ही सामान्यतः अवधि एनवा पद एन जो भी है, जहाँ पहले में एन है एलएपी अंतर, दूसरे में ए प्रथम पद, तीसरे में प्रथम पद और डी एन, चौथे में ए और डी एन एन और पांचवे में एन, ऐसे रिक्त स्थान है। इतना जो एग्जांपल आप आ गए ना, तो एनवा पद कभी भी आपको एग्जाम्पल गलत नहीं होगा, ये सब इसमें आ जाता है। प्रथम पद सर्वांतर एपी समांतर श्रेणियाँ सब आ जाएगा। तो पहले देखते हैं 5.2। का पहला एग्जाम्पल ए बराबर 7, डी बराबर 3 और एन बराबर 8। इसके ऊपर से एन ज्ञात करना है, तो एन का सूत्र है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है 7, तो 7 प्लस एन का मान कितना है 8, 8 प्लस 1, और डी का मान कितना है ज्ञात करना है, 8 3 दिया हुआ है और एन ज्ञात करना है। तो बच्चों आप सूत्र लिख दो, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 7 प्लस एन आपको दिया हुआ है 8 माइनस 1 इंटू डी का मान है 3, तो 7 3 21 प्लस 7 28, एन बराबर 28 आया। दूसरा एग्जांपल है ए बराबर माइनस 18, एन बराबर 10, एन बराबर ए 10 बराबर 0, ए एन बराबर 10, 10 बराबर 0, तो 0 बराबर ए का मान लिखो माइनस 18, एन का मान लो 10 माइनस ए 1 और डी, तो आपका डी इस साइड चला जाएगा 18, 18 बराबर 9 डी, तो डी बराबर 2। समझ में आया डी बराबर 2। अच्छा तीसरा एग्जांपल डी बराबर माइनस 3, एन बराबर 18, एन बराबर 18 मतलब एन का मान 18 दिया है, तो एन का मान 18 लिखा बराबर माइनस 5, मतलब मैं एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन का मान है माइनस 5, ए का मान आपको ज्ञात करना है, एन का मान 18 माइनस 1 मतलब 17 और माइनस 3 17 आपका 51 आएगा, 51। अभी 51 में से 5 इधर लाएंगे तो माइनस 5 प्लस 51, तो 51 में 5 घटाव करेंगे तो ए बराबर 46, तो इसका आंसर है 46। चौथा एग्जांपल पॉइंट में है ए बराबर माइनस 18.9, डी बराबर 2.5 और एन बराबर 3.6, एन का मान लिखो 3.6, सूत्र में 3.6, ए का मान लिखो माइनस 18.9, डी का मान लिखो 2.5, तो इसको अल्टरनेट करेंगे तो 18.9 माइनस इस साइड आएगा बाईस साइड, तो प्लस हो जाएगा दोनों का एक 22.5, 18.9 प्लस 3.6 22.5, ए बराबर 2.5 ये नीचे ले जाओ तो एन माइनस 1 बराबर आपका आएगा 20, एन बराबर 10 आएगा इस साइड जाएगा 9 आएगा ना, 9 में एक जोड़ो तो आपका एन बराबर 10। पांचवा एग्जांपल, चौथा एग्जांपल हो गया ना,
चौथा एग्जाम्पल हो गया ना, तो आपको पांचवा एग्जाम्पल आपको देखता है। पांचवा एग्जाम्पल में जो एग्जाम्पल चौथा भी हो गया, पांचवा एग्जाम्पल ए बराबर 3.5, डी बराबर 0, एन बराबर 105, एन दो लाइन में हो जाता है कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए बराबर आपका 3.5 प्लस एन माइनस वन, एन का मान आपको 105 दिया हुआ है, 105 माइनस वन इंटू 0, तो ये सबका 0 हो जाता है, 0 हो जाता है ना, तो ये 105 बराबर 3.5, ये 105 बराबर 3.5। अभी आपको दूसरा प्रश्न, अभी भी आपको नहीं आता हो तो दूसरा प्रश्न देखो। एन दूसरा प्रश्न में समांतर श्रेणी 10.74 दिया हुआ है, तीसवा पद ज्ञात करना है, तीसवा मतलब ए 30, एन ए 30, डी का मान है 7 माइनस 10 मतलब -3, एन का मान 30, ए का मान है 10, तो ए 30 आपको मान दिया हुआ है, इसका उपयोग करेंगे। तो पहले प्रश्न देखो क्या करना है, पहले सबसे बड़ी कीमत दिया हुआ है, फिर छोटी कीमत दिया हुआ है, इसलिए हमेशा बड़ी कीमत छोटी कीमत में बड़ी कीमत घटाव करेंगे तो माइनस में आंसर आता है। डी का मान ए 30 बराबर 10 प्लस 30 माइनस 1 माइनस 3, तो ए 30 बराबर -77, तो सी विकल्प -77। दूसरा एग्जाम्पल है आपका -3 -1/2, ए बराबर -3, डी बराबर -1/2 -3, तो 5/2, एन बराबर 11, कीमत लिख दो, ए 11 बराबर -3 प्लस 11 -1 गुणा 5/2, 10 5 5 25, 11 -1 = 10, 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5, 5 × 5 = 25, -3 + 25 = 22 × 3 = 25, 11 = 22, तो इस तरह से आपका पहला दूसरा एग्जाम्पल हो गया। बराबर रीति से करना। थैंक यू।